पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, उसका श्रेय अक्सर लोगों को नहीं मिलता है। 1997-98 में जब एशियन फिनेंशियल क्राइसिस हुई थी और उस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व यह सब कार्य जो सूक्ष्म में होते हैं वो अक्सर दिखते नहीं। श्री सिन्हा साहब के साथ में उनकी टीम में काम करने वाले लोगों ने भारतवर्ष के अलावे बिहार राज्य के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। आज 2010-11 का जो भारत बिहार वर्ग का बजट पेश किया गया वह पहली बार बहुत अरसे के बाद बिहार जैसे राज्य को बिना किसी विशेष छूट के लाभ का बजट हुआ और इसमें श्री नवीन कुमार साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा और यह सब श्री सिन्हा साहब की टीम के लोग रहे हैं। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए अनुरोध करता हूँ श्री सिन्हा साहब को कि बिहार के 21वीं शताब्दी में किस तरह का बिहार का निर्माण हो और किन घटकों से हो, इस विषय पर हमें दो शब्द कहें। सर लेकिन आम भावना महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों की उत्तर भारतीयों के बिहारियों के खिलाफ कोई बुरी नहीं है। मैं उसे कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देना या घबराने वाली बात नहीं। बिहार का काफी प्रोग्रेस हुआ है, ये भी आह्वान दिया गया था। अपने वतन लौटते हैं, अपने मूल के
लौटे अपनी मातृभूमि में लौटे। देखिए स्वाभाविक बिहार से पिछले शासन में ये आ जाएगा ना, माननीय सरकार में जो सहायक हुआ और मौके के लोगों मजदूरों का व्यवसाय वो इस 5 साल 15 साल ये भाई ना मतलब मेरे को इस 5 साल में वो पलायन के प्रति 50% से अधिक कम हुआ, इसलिए कि लोगों को बहुत काम मिल रहा है, लोग वहाँ सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, व्यवसाय बढ़ा है, रोड रेट बढ़ा है, तो स्वाभाविक रूप से लोग लौटेंगे। कौन चाहता है वतन से घूम जाए। सर दूसरी एक बात सामने आई है कि राष्ट्रपति ने मांग की जो भी हाँ मैं सहमत हूँ, मैं सोम मराठी जानता हूँ, मैं यहाँ रहा हूँ, मैं सीखा हूँ, यहाँ अगर हम यहाँ जिस राज्य में जा रहे हैं उस राज्य की भाषा को सीखनी चाहिए, भाईचारा बढ़ता है वहाँ के आदमी के साथ, क्या बुरा है? और भाषा सीखने में दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या? मैं किसी भी मराठी आदमी से अच्छी मराठी बात कर लेता हूँ, तकलीफ क्या? सर एक बार आदमी सीख सकता है, उसमें तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। सर एक बार आपने पर बोली थी कि जो विकास हो रहा है अच्छा हो रहा है, पर सरकार आगे चलनी चाहिए तो ही ये जो काम चल रहा है प्रोसेस का वो आगे जाएगा, वरना भगवान बोले कुछ नहीं है। तो क्या ऐसा कोई पब्लिक मूव है, ऐसा कोई मैंने ये कहा, मैंने सरकार आगे किया, आपने ठीक से सुना होगा, मैंने देश के महान इकोनॉमिस्ट स्वामीनाथन अय्यर को हमेशा उनको मैंने कोट किया कि उन्होंने ऐसा लिखा कि वो भी इशारा से उन्होंने भी कहा कि इतनी प्रगति यहाँ हो रही है, इसलिए ये जरूरी है इस प्रगति को जारी रखने के लिए ये सरकार फिर से आए, ये उनका इशारा था। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, हम जो हमारी बहुमत है उससे बहुत ज्यादा बहुमत से वापस आएंगे आने वाले इलेक्शन में, नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार आगे की ओर चल पड़ा है, प्रगति की ओर चल पड़ा है, उससे कोई नहीं है। सर कानून व्यवस्था आपकी बहुत कानून की बात है, कोई भी सरकार सामने आता है भाई चाहिए कार्य राज्य में जो विगत कानून व्यवस्था है उसको, लेकिन अब 5 साल बावजूद इसके आज भी बिहार में कोई भी बाहरी निवेशक सामने आने को तैयार नहीं है, वो निवेश नहीं करना चाहता, इसके लिए सरकार ने अब तक क्या पहल की? नहीं आ रहा है ये बात, लेकिन निवेश की ओर आपका इशारा है, अपराध और अपराधियों का खौफ अब बिहार में नहीं। निवेशक जो स्वामीनाथन अय्यर जी ने कहा, एक बात वो है कि देखते हैं कि कितने दिन ये और अस्थिर रहेगा सरकार, नंबर एक। नंबर दो, आजकल जमीन की कमी, पिछले 15 साल में कोई जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ बिहार में, और वो जो प्रक्रिया शुरू है वो फल उसका आएगा कुछ दिनों के बाद, ताकि हम जो निवेश उद्योग लगाना चाहते हैं उद्योग लगाना, हम उसको जमीन दे सकेंगे, उसका मौका हमें कुछ दिनों के बाद मिलेगा। वैसे ही 15 साल में जो हमारे जितने बिजली खर्च थे, जिसमें बिजली का निर्माण होता था, वो सारा नष्ट हो गया, वो पूरा चकरा गया, और इस दोनों के हाली और बिहार के बारे में जो इमेज वर्षों से बना हुआ था, ध्वस्त हो चुका है, नई छवि है, एक अच्छी छवि है, और इसलिए पुरानी बाधा उनके हम लोगों को भविष्य की ओर देखना चाहिए। जो बिहारियों को सॉफ्ट टारगेट करते रहे उनके लिए आपको कोई संदेश है? हमारा संदेश यही है कि पूरा देश जय बिहार कहते हैं, जितने गर्व के साथ हम जय महाराष्ट्र कहते हैं।